कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही इस यात्रा का आज 9वां दिन है और यह यात्रा वाशिम जिले में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की पदयात्रा हिंगोली तालुका के फालेगांव फाटा से शुरू हुई है। यह यात्रा आज दोपहर बोराला में रुककर रात को वाशिम में विश्राम करने वाली है। राजगांव के मराठवाड़ा विदर्भ सीमा पर पारंपरिक मराठी संस्कृति के अनुसार यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। गांधी परिवार से सोनिया गांधी 1999 में वाशिम आई थी। 23 साल बाद राहुल गांधी वाशिम आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में नाना पटोले, माणिकराव ठाकरे, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, विधायक अमित जनक शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपुर।